अरे बाप रे, मैं गलत इलाके में आ गया। ये तो पूरा इन्हीं का इलाका है। अब तो मैं गया, मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। आज तो तुम लोग मुझे मार लोगे, लेकिन मेरे गांव वाले तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। एक गांव जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, पर उनको क्या मालूम कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनका सेनापति मारा जा चुका है। लेकिन उसी गांव में अक्ति नाम का एक महान लड़का रहता था, जिसको इसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। तो इसी कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाह, रात को क्या नींद आई थी। रात को पार्टी करके तो मज़ा ही आ गया था। राजा जी ने जो पार्टी रखी थी। अबे अबे, तू यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहा है बिना मेरी इजाज़त के? मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अबे एक तो अबे सब घुसते ही चले आ रहे, मेरे कमरे में मिला था तुम लोगों को। अरे सेनापति, हम आपसे कुछ बात करना चाहती। दरअसल रात में हम लोगों ने एक पिलेजर को पकड़ती जो कि वहाँ जेल में रखा होती। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो बे? अरे सेनापति जी, वो क्या है ना, हम अभी अभी अरेबिया से आती नया नया सिपाही आया है। मैं जाके जल्दी देख लो पिलेजर को, वो आपसे बात करना चाहती। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। पिलेजर पकड़ा गया है रात में, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि पिलेजर यहाँ पे जल्दी से आते नहीं। हमारी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। अबे गड्ढे तो बंद कर लिया करो, रास्ते में जो पड़े हैं गड्ढे भी नहीं बंद करते क्या गाँव वाले हैं, गधे गाँव वाले। ये देखो रात में चढ़ी भी उतरी भी नहीं, मैं खंभे में घुस जा रहा हूँ। ओ बे ए, इधर आ इधर आ इधर आ, मैं बुला रहा हूँ। अबे क्या घूरता क्या बे, और क्रॉसबो लेके ये अंदर क्या कर? अबे जेल में बंद कर रहा, क्रॉसबो भी नहीं लिया इससे। अबे क्रॉसबो, अबे मेरे ऊपर क्रॉसबो मत कर भाई, मेरी जिंदगी प्यारी है मुझे। अबे मैं जिधर जा रहा हूँ उधर क्रॉसबो कर रहा है। अबे क्रॉसबो मत कर भाई, मुझे मत मार। अबे अबे भाई चलो बात करते हैं। वैसे भी तू मुझे मार नहीं पाएगा क्योंकि इसमें से तीर बाहर नहीं आएगी। तो मैटर क्या है मुझे बता दे सारा का सारा। अबे कौन भौंक रहा है बदतमीज, कौन है बे तू? मैं यहाँ का राजा का दाहिना हाथ हूँ। दाहिना हाथ किस काम में आता है पता है ना तुझे? किस काम में आता है भाई दाहिना हाथ? ये लो, इतना भी नहीं पता, आया बड़ा दाहिना हाथ कहीं का। तुम्हारे सेनापति को तो हम लोगों ने कल मार दिया, अब तुम्हारे राजा की बारी। राजा को मारने की बात कर रहा है भी ये, और तूने सुन भी लिया? तुझे भी मरना है क्या? एक आँख वाले दरिंदे, राजा को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, हमारे सेनापति को भी मार दिया। अबे राजा दूसरों के घर में क्यों घुसता रहता, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। पहले इस घर से निकला अब उस घर में जा रहा है, इसका क्या चल रहा है? राजा जी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल गधेड़े, क्या काम है? देख नहीं रहा मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे राजा जी मुझे आपसे एक बात बतानी थी। दरअसल जो पिलेजर पकड़ा गया था वो बोल रहा है कि हमारे सेनापति को मार दिया उन्होंने, और अभी आपको भी मारना चाहते हैं। तो क्या करना है मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस प्लेजर के पूरे खानदान को उड़ा दूंगा। अबे तेरी शक्ल देखिए तो प्लेजर के पूरे खानदान को मारेगा? चल भाग जा यहाँ से, मुझे अपने काम करने दे, देख नहीं रहा मैं खाने के लिए कुछ चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा जी आप यहाँ के राजा हो, आप खाने के लिए चुराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे भाई क्या राजा है, चलो छोड़ो आपसे कुछ नहीं हो सकता, मैं ही देखता हूँ। खाने को चुराने की कोशिश कर रहा है भाई, इसको खाने की पूर्ति नहीं हो रही, और हमारा गांव कितना हाथ खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। अब मैं किसकी मदद मांगू जो मेरी हेल्प कर सके कुछ जानने में? वो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा जो मेरी हेल्प कर सके। ये सैनिक तो राजा के गुलाम है, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो राजा को गुलाम ना हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा जानकार हो। और बंदे 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 किधर मिलेंगे? और ये रहा ना अपना बंदा जो कि अपना राइट हैंड है, मतलब दाहिना हाथ। अरे भाई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ़ करती, मुझे अभी और काम होती। अरे यार ये तो फ्री नहीं है, अब मैं किसे ढूंढूं? अरे जादूगर भाई साहब, जादूगर मिल गया मुझे। अबे जादूगर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रुक जा भाई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ पता है मुझे कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। सब मरोगे, मुझे पता है कि ये पूरा गांव तबाह होने वाला है क्योंकि वो आ रहा है। कौन आ रहा है यहाँ पे? ये आधी बात करके जाता है, पूरी बात तो बोलने का ही नहीं। मुझे लगता है ये केस मेरे से हैंडल होने वाला है नहीं, और ये पिलेजर के लक्षण मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं ऐसा ही हूँ जैसे तुझे लग रहा है। मैं तुझसे बात नहीं करने आया था, तेरी ऐसी की तैसी क्रॉस बोले के बैठा रहे अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पुलिस बुला लेनी चाहिए। सेना तो हमारे पास बहुत बड़ी है, लेकिन अगर पुलिस से काम सुलट जाता है तो पुलिस को बुलाएंगे हम अगले एपिसोड में।